केंद्रीय मंत्री व दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे। कहा जा रहा था कांग्रेस की ओर से उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाए जाने की वजह से कांग्रेस के प्रति सिंधिया का मोह भंग हो गया और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कई दिग्गजों का कहना था कि उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान नहीं मिली, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। इसके अलावा भी कई तरह के बयान सामने आए। अब करीब ढाई महीने बाद अशोकनगर जिले के दो पूर्व विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने पर बड़ा खुलासा किया है। जजपाल सिंह जज्जी और बजेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि आखिर सिंधिया और उनके 22 विधायकों ने कांग्रेस क्यों छोड़ी। इन दोनों का कहना है कांग्रेस सरकार में सिंधिया समर्थक विधायकों के कामों पर रोक लगा दी। उनके नेता सिंधिया की उपेक्षा की जा रही थी, इसलिए उन्होंने 22 मंत्री विधायकों के साथ इस्तीफा दे दिया। पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने कहा कांग्रेस में सिंधिया जी को अपमानित किया जा रहा था, इस कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। आगे ये कहते हैं, लोगों ने हमें बड़ी उम्मीद से चुना था जिससे क्षेत्र में विकास कार्य हो, लोगों के काम हो, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री से कहने के बाद भी ना तो लोगों के काम हुए ना ही क्षेत्र में विकास कार्य, इस कारण सिंधिया समर्थक सभी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि आपको बता दें कांग्रेस के वो तमाम नेता जो सिंधिया पर हमलावर रहे हैं वो कहते हैं कि सिंधिया लोभी हैं, लालची हैं, सत्ता के लालच में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है, 400 करोड़ में उन्होंने अपने आप को बेचा है। लेकिन सिंधिया समर्थकों की कहानी एक अलग ही रूप दिखाती है। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।